इंदौर की सकरी गलियों में ठेले पर सब्जी बेचने वाली बेटी बनी न्यायाधीश। बता दें कि मूसाखेड़ी शहर का एक संकरा इलाका, जहां संकरी गलियों से शहर के संभ्रांत लोग गुजरने से बचते हैं। इसी मूसाखेड़ी के सीताराम पार्क कॉलोनी में रहने वाली एक बेटी अपने परिवार का पेट पालने के लिए ठेले पर सब्जी बेचती थी। सब्जियों को बेचने वाली इस लड़की में न्याय की देवी की मूर्ति थी, लेकिन ना कोई रास्ता दिखाने वाला था और ना ही महंगी कोचिंग में पढ़ने की क्षमता थी, लेकिन हौसला था हार न मानने का। आखिर इस बेटी की मेहनत रंग लाई और अब मूसाखेड़ी की इन तंग गलियों में रहने वाली अंकिता नागर जज बन गई है। 29 साल की अंकिता जज बनने की कहानी सुनाती है तो संघर्ष से मिली सफलता से उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। अब वह मान्य हो गई है। अंकिता कहती है, मेरे माता पिता ने सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण किया। शाम को जब ग्राहकों की भीड़ होती है तो मैं भी उनकी मदद के लिए सब्जी के ठेले पर पहुंच जाती हूं। यह हमारी दिनचर्या है। पिता अशोक नागर सुबह 5 बजे उठकर सब्जी लेने बाजार जाते थे। चाहे तेज बारिश हो या सर्दी, वे घर से निकल जाते थे। वहीं मेरी माँ लक्ष्मी सुबह 8 बजे उठकर घर के काम करने लगती थी, क्योंकि बाद में उन्हें सब्जी बेचने में अपने पिता की मदद करनी पड़ती थी। वहीं मेरे माता पिता, खासकर मेरी माँ, चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ और प्रगति करूँ। यह पूछे जाने पर कि जज बनने तक का सफर कैसा रहा, अंकिता कहती है, मैं 2 प्रयासों में असफल रही। सभी ने सोचा कि मैं जज नहीं बन पाऊंगी, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अंततः 3री बार में सफलता मिली। 29 अप्रैल को रिजल्ट आया और इसके बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को गले लगाया और बधाई दी और कहा, माँ मैं जज बन गई हूँ। वह मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल था। अंकिता को सफलता किसी तोहफे में नहीं मिली। सुविधाओं में रहने वाले लोगों को यह आश्चर्यजनक लगा, लेकिन सब्जी बेचने के अलावा अंकिता को अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाना पड़ा। यह एक सामान्य निम्न मध्य वर्गीय परिवार की बेटियों की दिनचर्या है। अंकिता भी अलग नहीं थी। वह कहती है, मैं घर पर सब्जी बेचकर पढ़ाई करती थी। इस दौरान कई बार उन्हें घर के कामों में माँ का हाथ बटाना पड़ा। सारा काम पूरा करने के बाद मैं दिन में करीब 8 घंटे पढ़ाई करती थी। कई बार लाइट बंद होने पर टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करती थी, क्योंकि समय सीमित था और सपने बड़े थे। अब मैं खुश हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है। हमारी तरफ से अंकिता को बहुत बहुत बधाइयाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।